कि कठरा के बिट्टू से प्रेम प्रसंग होने पर उसके कहने पर मैं घर छोड़कर बिट्टू के साथ पटना जाकर हनुमान मंदिर में शादी रचाई। 10 दिन तक बिट्टू से शारीरिक संबंध होने पर बिट्टू ने कहा कि तुम्हारा भाई ने थाना में गुमशुदगी का आवेदन दिया है। सुमन ने बताया बिट्टू ने कहा थाना में जाकर दोनों सरेंडर करेंगे। बिट्टू ने परिवार वालों की कार से जहांगीरा पेट्रोल पंप के समीप पुलिस के हवाले कर दिया। बिट्टू ने कहा कि कोर्ट में बयान देना कि अपने मौसी के घर चले गए थे, न तो हम जेल चले जाएंगे। पुलिस ने भी यही कहा, कोर्ट में बयान देना मेरा पति बिट्टू है, अब मुझे रखने के लिए तैयार नहीं। महिला पुलिस ने थाना में रखा, न मेरे परिजन को दिया, मुझे आश्रय स्थल छोड़ दिया गया और आश्रय स्थल से थाना व थाना से आश्रय स्थल पुलिस करवाती रही। वहीं पीड़ित सुमन ने कहा, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव के रहने वाली युवती सुमन कुमारी ने कठरा गांव के युवक बिट्टू कुमार को दिल दे बैठी। बता दे, सुमन कुमारी और बिट्टू कुमार का प्रेम प्रसंग 1 साल से चल रहा था। बताया जा रहा है दोनों की मुलाकात मुरारका कॉलेज के मैदान में बिहार पुलिस की तैयारी के दौरान हुआ था। दोनों का प्यार का परवान किस तरह चढ़ा, एक दूसरे के मर मिटने को तैयार हो गए और दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। सुमन कुमारी ने अपने परिवार को बिना बताए घर से निकलकर पटना के हनुमान मंदिर में दोनों ने 30 मई को शादी कर लिया। प्रेमी युगल ने अपने प्रेमिका के साथ होटल में 10 दिन तक शारीरिक संबंध बनाया। इसी बीच सुमन कुमारी के भाई ने 1 जून को स्थानीय थाना में अपने बहन की अपहरण करने को लेकर लिखित आवेदन दिया। जब इसकी जानकारी बिट्टू कुमार को मिला, अपने प्रेमिका सुमन कुमारी पर दबाव बनाने लगा और कहने लगे, जैसा मैं बोलूंगा ऐसा ही पुलिस के सामने बयान देना। और वैसा ही हुआ, सुमन कुमारी ने पुलिस के सामने बयान दिया, लेकिन बयान देते ही बिट्टू सुमन कुमारी को रखने को तैयार नहीं है। पीड़ित सुमन कुमारी ने बताया, जिसमें आप यहाँ से निकले तो क्या, कैसे निकले, कहाँ से निकले, चले क्या क्या लेके चले? कपड़ा था, 20 भर का पायल था, गले में चैन था, कौन में वाले था, गए थे और उस लड़के के पास में ही है, वो मोबाइल भी ले लिया था, सिम तोड़ के फेंक दिया है। मोबाइल और कपड़ा कब पहुँचाया था ना, हम ये नहीं जानते। कुछ ऐसे भी पैसा कौड़ी वगैरह भी, लेकिन ये सामान सब सारा चीज़ रख लिया है। हाँ, मोबाइल वापस कर दिया आपको? हाँ, कपड़ा भी और रख लिया है, जेवर सब रख लिया, कुछ कपड़ा पहुँचाया और रख लिया। तो आगे क्या करना है आपको? आगे हमको यही करना है कि उनके घर जाना है। वो था जेल जाने से बच जाएगा, नहीं तो 7 साल का सजा ही हो जाएगा। उसको बचा लेगी तो हम लोग उनको लाएंगे पकड़ के और तुमको उसके साथ चला देंगे। तो क्या हुआ फिर इसके बाद? लेकिन हमको वहाँ लड़का को नहीं बुलाया, हमको यहाँ अनाथ आश्रम में आके रख दिया है। अब मैं क्या करूँ, वो लड़का के साथ हमको नहीं चलाएगा तो हम अपहरण कर लेंगे, मर जाएंगे। करना है कि हमको उनके साथ लगा दीजिए। वो तो बोल रहा है कि अब नहीं रखेंगे, हैंड ओवर कर दिया। लड़का को बुलाए मेरे सामने में, पे हमको जाना है, उसके साथ रहना है, नहीं तो हम मर जाएंगे। आपके परिवार वाले कुछ इस पे? मेरे परिवार वाला हमको नहीं रखेगा, हम नहीं जाएंगे घर, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से मांग यही करती हूँ कि हमको उनके घर पहुँचा दिया जाए, सही सलामत उसके साथ रहना है। अभी जिस तरह से हमको गवाही दिलवाया है, उस तरह से उस लड़का को भी बुलवाया जाए। कहा गया कि कहाँ रहेगी, तो हम बोले कि अगर हमको वहाँ नहीं पहुँचाइएगा, लड़का के साथ नहीं भेजिएगा, तो हम थाना में रहेंगे, आप लड़का को लाइए जहाँ से लाइएगा। लेकिन हमको वहाँ पर नहीं रखा और यहाँ पर आश्रम में आके छोड़ दिया है।
मामला क्या है आपका? मामला है कि कटारा गांव निवासी बिट्टू कुमार यादव, उसके पापा का नाम है मनोज यादव, हम दोनों कई एक साल से प्यार करते थे और 29 तारीख को हम दोनों भाग के 30 तारीख को शादी के पटना में हनुमान मंदिर, फिर वहाँ पे रूम लेके 6-7 दिन तक रहे। उनके भाई को पता चला कि अपहरण का केस किया है और उसका भाई गया लौने के लिए, वहाँ गाड़ी से गया लौने के लिए, वहाँ से लाया और पेट्रोल पंप के पास पुलिस प्रशासन गया और उनको भगा दिया और हमको थाना में ला के रख दिया। थाना में बोला कि आप बोलिएगा कि अपहरण का केस, अपहरण हमको नहीं किया है, हम अपने से मौसी के यहाँ गए थे ताकि वो जेल जाने से बच जाएगा और फिर हम लड़के को बुलवा देंगे और आपको उनके साथ चला देंगे, लेकिन हमसे दिलवा दिया और लड़का को नहीं बुला रहा है। और शादी जो आप किए हनुमान मंदिर पटना में, हाँ, इसके बाद कितना दिन रहे पटना में आप? 6 दिन। इसके बाद क्या आपकी उस तरह के बाद विचार इस तरह का कोई फिजिकल रीजन? हाँ, उसके साथ में रहा है। फिजिकल रीजन हुआ है? हाँ। तो लड़का क्या नाम बताया? बिट्टू कुमार यादव। ये कितने दिन से आपसे संपर्क में था? 1 साल से। ये संपर्क हुआ कैसे आपका? फील्ड में जाते थे दौड़ने के लिए। तो क्या चीज़ तैयारी कर रहे थे आप? बिहार पुलिस का तैयारी। इसके पहले और बताइए, कभी पहले और शादीशुदा भी था जिस तरह सुनने में आया? हाँ थे, पर वो खत्म हो गया था पहले, इससे बात होने से पहले खत्म हो गया। कहाँ शादी हुआ था आपका? मुरारपुर। तो लड़का कोई काम करते थे? बिहार पुलिस था, लेकिन पागल था, देखो न हमने जाते हैं ना वो आते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। जब पुलिस को आपको हैंड ओवर किया, हाँ, कहाँ पे किया था आपको? पेट्रोल पंप के पास, उसी में स्कॉर्पियो था, उसमें 4 गो और था, उसका भाई था, 5 गो था और हम थे। हमको निकाल दिया वहाँ संगम मैडम निकाल के, वो अपने ले ली गाड़ी में और लड़का को भगा दी। इस मैटर पे आप लिखित आवेदन दिए थे? हमको थाना से बोला गया था कि आप बोलिएगा कि अपहरण नहीं मेरा किया है ताकि वो लड़का बच जाएगा। कौन बोला था? संगम मैडम, राहुल सर और प्रिया मैडम थी, SI राहुल सर। ननद है सुमन कुमारी, वो बिट्टू कुमार यादव के साथ प्रेम प्रसंग में वो इसको जो किसी तरह ले गया, ले जाने के बाद वहाँ शादी किया। इसका जेवर था 2 लाख का जेवर था, ये सब जेवर ले लिया है और उसका चाचा इसको फुसला के जो है ना आधे रास्ता में पुलिस को सौंप दिया, उसके बाद लड़का को ले कर चला गया है, इसको यहाँ बाल आश्रम में छोड़ दिया गया है। 2 लाख का जेवर था, सिम था, सिम भी तोड़ दिया, मोबाइल का सिम खोल के तोड़ दिया है, उसका फोटो सब डिलीट कर दिया है कि किसी को कुछ पता नहीं चले। और इसका चाचा, उसका भाई भी था, उसका भाई खुद आया था गाड़ी पे लेके लड़का को और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बाद में इसको फुसलाया, दरोगा इसको प्रेस डाला है कि तुम ऐसा दो धमकी दिया है अगर तुम नहीं, दरोगा इसको धमकी दिया है कि अगर तुम मेरे कहने पैसा बयान नहीं देगे तो तुमको तुम्हारे गार्जियन को फिर हम ठेस पहुँचाएंगे, इसीलिए इस दबाव में आके सब बोली वहाँ सबको कोर्ट में। क्या कहना चाहेंगे? 24 घंटा में अगर नहीं आया तो हम थाना में जाके रहेंगे, धरना धरेंगे, भूख हड़ताल भी करना है, हड़ताल करेंगे, धरना धरेंगे, अपहरण का केस करेंगे, सब जबरदस्ती यहाँ पे आया है, हमको यहाँ पे बोला है। कहाँ ले जा रहे हैं? थाना ले जा रहे हैं। थाना, थाना से आश्रय स्थल, आश्रय स्थल थाना ले जा रहे हैं? आश्रय स्थल में यहाँ विक्षिप्त महिला नहीं ना है जो कि रखेंगे, ये तो प्रेम प्रसंग का मामला था और रात में रखने के लिए बोला गया कि सुबह ले जाएंगे, अभी तक नहीं ले जा रहा। पहले नमस्ते आपको, और हम SUH प्रबंधक चौमनी भारती बोल रहे हैं, और ऐसा कई बार मेरे साथ थाना द्वारा बार बार जो है कि पहुँचाया जा रहा है, इसके बारे में हम CMM को लेके भी लगभग 9 बजे रात तक जाके बोले थे, ऐसा मामला मेरे पास नहीं आना चाहिए। कल रात में भी बोले मैडम को कि हम इसको रिसीव नहीं कर सकते हैं, ये आपका जो है केस दायर हुआ और क्या वहाँ महिला फोर्स या महिला हाजत नहीं है? मेरे आश्रम में लड़की आत्महत्या कर ले तो इसका क्या जवाबदेही होगा? और ये है कि लड़की को हम यदि
रात में केयर टेकर रहता है जेंट्स, आप यहाँ रखते हैं, रख के चले जाते हैं और केयर टेकर को बोलते हैं कि निराश्रित है, जब इसका जो है कि FIR दर्ज है अपहरण केस है, जो केस किया सर उसके पास ना दर्ज होना चाहिए, लड़की को उसको न सपोर्ट करना चाहिए कि लड़की वहाँ पहुँच जाए जो केस किया और कौन अपहरण किया उसके पास। मगर बड़ा बाबू और जो SIG है राहुल सर, वो बोलते हैं मेरा नाम मत लीजिए। क्या ऐसा कारण है कि नाम नहीं ले? आप वो करने से पहले सोचे कि हम बयान दिलवा रहे हैं, लड़की का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि आप मेरा नाम मत लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए लड़की के साथ। और ये अनाथ आश्रम नहीं है, ना आश्रय स्थल निराश्रित के लिए है, ये विक्षिप्त महिला भी नहीं है, जो बूढ़ा सुरा नहीं है, जो कि यंग लड़की को यहाँ आश्रय